जहां एक ओर किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी रेट पर गेहूं की खरीदारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमाखोरों ने सरकारी गेहूं पर भी डाका डालना शुरू कर दिया है। नो बकवास खबर खास में कम से कम समय में खास वीडियो देखना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। खेत में चोरी छुपे डंप करके रखा गया 50 क्विंटल सरकारी गेहूं पर नायब तहसीलदार ने छापा मारा। गेहूं की सरकारी बोरियों से निकालकर सामान्य पीली बोरियों में भरा जा रहा था गेहूं। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह के छापे की जानकारी मिलने पर मौके से माफिया भाग गए हैं, लेकिन 100 बोरियां विभाग ने जब्त कर ली हैं। मामले की आगे की जांच कन्नौज का पूर्ति विभाग करेगा। आज क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी श्री मनोज घराना जी के द्वारा सूचना दी गई कि मौसमपुर मौरारा में खेतों के बीच में लगभग 100 पैकेट के आसपास गेहूं सरकारी बोरियों में डंपर सरकारी बोरियों में सील भी था। जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे कोई मिला नहीं, लेकिन 100 बोरी वहाँ छोड़ के लोग भाग गए थे, क्योंकि चारों तरफ वहाँ पे मक्का खड़ी हुई है। और हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि जो सरकारी गेहूं था उसको पीली बोरियाँ जो वैसी बोरियाँ होती उसमें लोग भर रहे थे। उसके बाद उसको आज जब्त करके सरकारी गोदाम जो है वहाँ पे सुपुर्द कर दिया गया है। सरकारी जो सप्लाई विभाग है वो आगे की विधि कार्रवाई करेगी। सर, क्या जानकारी हो पाई है कि गेहूँ कहाँ से लाया गया था और कहाँ जा रहा था इस तरीके से? क्योंकि वहाँ पर कोई अभी मिला नहीं था, हम लोगों ने वहाँ से पूछताछ भी की, जो आप आस पास लेबर लोग काम कर रहे थे तो उन्होंने बताने से मना कर दिया कि उनको जानकारी नहीं है। आगे इसकी जांच का विषय पुलिस और सप्लाई विभाग मिलकर जांच करेगा, उस अनुसार कार्रवाई होगी। कहाँ पे गेहूँ पकड़ा गया था, कितना गेहूँ था? ये मौसमपुर मौरारा में, मौसमपुर मौरारा की जो रेलवे लाइन है उसके पीछे खेत है, वो चारों तरफ मक्का लगे उसके बीच में डंप किया गया था और 100 पैकेट गेहूँ था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि कम से कम समय में आपको बगैर किसी बकवास के खास खबर मिलती रहे।